अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि अगर मोटरसाइकिल की ये जो ग्लास होते हैं, ग्लास ये टेढ़े हो जाएं यहाँ से, इसको किस तरह आसानी के साथ आप सीधा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से इसका ग्लास सी जो है वो टेढ़ी हो चुकी है। अभी हम इसको सीधा करते हैं आपके सामने। दोस्तों आपके पास एक शाख राड होना चाहिए, ये मेरे पास शाख राड मौजूद है दोस्तों। इसको हमने इस तरह किसी चीज़ पर रखना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने इसके ऊपर पाँव रखा है। पाँव रख के दोस्तों हमने ये ग्लासी जो है इसके ऊपर चढ़ानी है और इस ग्लासी को हमने दबाना है थोड़ा सा। तो ये हमारी ग्लासी जो है वो सीधी हो जाएगी आपके सामने दोस्तों। ये आप देख लें, अभी इसको मैं सीधा करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों ये बिल्कुल ही इसका निशान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने इसको हथौड़ी के साथ चोट लगानी है ताकि जो इसका निशान है ये सीधा हो जाए। फिर हम इसको मज़ीद ऊपर की तरफ दबाएंगे तो हमारा ये डेंट जो है वो सीधा हो जाए। अभी दोस्तों हमारा ये शाख ग्लास जो है वो सीधा हो चुका है। अभी इसके ऊपर ये हाथ लगाएंगे तो निशान से महसूस हो रहे हैं। इन निशान को ख़त्म करने के लिए हमने इसको यहाँ से रखना है और यहाँ से इसको पंच करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास ये न्यू है थोड़ी सी, तो आपने इसको लोहे की या थोड़ी से नहीं इसको पंच करना, ठीक है। इस तरह की कोई लकड़ी की चीज़ हो उसके साथ आप इसको दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल ही कोई निशान वगैरह नहीं रह गया, जिस तरह की थी उस तरह की है। इसके ऊपर जो हमने चोट लगाई इसके कुछ निशान पड़े हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है, अभी इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर अभी बिल्कुल ही कोई भी इसका डेंट नहीं रह गया, ये हमने बिल्कुल ही सीधी आपके सामने कर दी है। आपने दोस्तों इस तरह शाख राड लेना है, शाख राड के ऊपर आपने इसको पहले सीधा कर लेना है। जहाँ पे इसका ये डेंट होता है वहाँ से आपने इसको सीधा करना है। उसके बाद आपने हथौड़ी के साथ इसको प्रेस करना है। जैसे आप इसको हथौड़ी के साथ प्रेस करोगे तो ये आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। यह भी एक तरीका होता है, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके होते हैं दोस्तों इसको सीधा करने के। तो ये आसान तरीका है, आपको डेंटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।